जहां मरने पर मजबूर है लोग, जहां सुनाई देती है मौत की सिसकियां। चारों ओर रुदन और क्रंदन, अनगिनत चीख पुकार इन गलियों के सन्नाटे को मानो चीर देती है। एक ऐसा गांव जहां मौत का साया हमेशा मंडराता नजर आता है। न जाने कब कौन काल के गाल में समा जाए, लेकिन यही कहानी है पलामू के चुकरू गांव की। हर घर में कोई ना कोई मौत की तस्वीर देख चुका है, या फिर मौत का बस इंतजार हो रहा है। यहाँ रोज अनवरत मौत की कहानी जुड़ती चली आ रही है। अगर कोई बैठ जाए तो उसका उठ पाना मुश्किल, और अगर किसी ने खटिया पकड़ लिया तो जीवन भर बस उसी का सहारा। चुकरू गांव के ज्यादातर निवासी विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। कई लोग मौत के शिकार हो चुके हैं तो कई इसके कगार पर हैं। पलामू का ये इलाका हमेशा से पानी की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इनकी सारी परेशानी का कारण यहाँ का फ्लोराइड युक्त पानी ही है। दो अढ़ाई महीना तीन महीना हो चल रहा है, इसका जो है से पैर भी काम नहीं कर रहा है, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, पूरा बीसी वाला रीढ़ भी काम नहीं कर रहा है। दवाई हो तो रहा है, तब भी सुनवाई कहीं भी है। पहले ठीक थे? ये ठीक थे, एकदम बढ़िया थे। ईटा बालू में काम कर रहे थे, बोली मंजूरा वाला ही है तो कौन कहाँ जाएंगे। 1995 में जब विशेषज्ञों द्वारा यहाँ के पानी की जांच की गई, तो यहाँ भारी मात्रा में फ्लोराइड पाया गया। जलापूर्ति की दिशा में कई बार कई योजनाएं बनाई गई, पैसे भी आवंटित किए गए, लेकिन इसका लाभ चुकरू गांव तक नहीं पहुँचा। मतलब इसका उठाते हैं वचन को, यह आवाज आएगा जहाँ आज फलना अफसर आए हैं, यहाँ आएगा खाली या फोटो खींचेंगे और चुपचाप यहाँ से रास्ता धरेंगे और यहाँ की स्कीम खा के बैठले रह जाएंगे डॉक्टर जगह। इस गांव के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 2002 में जलापूर्ति योजना शुरू की गई, लेकिन ये योजना पूरी तरह फेल हो गई। 2012 में इस योजना के लिए 41 लाख रुपए फिर आवंटित किए गए, लेकिन फिर भी स्वच्छ पानी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया। साल दर साल योजनाएं बनती गईं और अधिकारी इस पर बंदर बाट करते चले गए। चुकरू गांव ने मौत का मंजर पहले भी देखा था, आज भी देख रहा है। अटैचमेंट यूनिट किट भी लगा हुआ है, ठीक है, और उसको अटैचमेंट यूनिट किट को भी चालू किया गया था, और उसमें जो केमिकल वगैरह लगता था उसको भी ठीक करा करके लगा दिया गया था। इधर चुकरू का थोड़ा सा विभागीय स्वीकृति नहीं प्राप्त हुआ था, टेंडर कर दिया गया संवेदक को, प्रत्याशा में स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यादेश भी निर्गत कर दिया गया है। कई मंत्री और विधायक आए, मौत के इस मंजर का जायजा भी लिया, लेकिन चुकरू गांव को आज भी एक राहत का इंतजार है। देखने वाली बात ये होगी कि पहले इनका इंतजार खत्म होगा या उससे पहले मौत इन्हें निगल लेगी। पलामू से समाचार प्लस के लिए प्रभुदयाल तिवारी की रिपोर्ट।